Hi all, this is my third video on AWS, and in this video we'll talk about why to use AWS Lambda. You know, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, but still why go with Lambda? तो सबसे पहले we all know कि ये जो Lambda है AWS वो एक serverless है. Serverless का मतलब ये हो गया कि we don't think about servers. यू नो बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे सर्वर्स होंगे जो AWS रिस्पॉन्सिबल है. इससे आपके दो क्वेश्चंस तो ऐसे ही क्लियर हो गए कि AWS रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए. तो बेसिकली हम अपने पॉइंट पे आते हैं और आप यहाँ पे समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना लैम्डाप्स के बारे में, वो चीज़ आप समझोगे. ओके, ये क्वेश्चन जो हैं आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, आपके कलीग्स पूछ सकते हैं वैन यू आर AWS सर्टिफाइड, और आप जब किसी से डील कर रहे हो इन सब चीज़ों के लिए तो कोई भी पूछ सकता है, यार मैं ये चीज़ तो यूज़ कर सकता था, मैं नॉर्मल कोड कर सकता हूँ इसके लिए, देन वाई टू यूज़. एवरी वन नो कि ये सर्वरलेस है, वी डोंट थिंक अबाउट सर्वर्स, बट स्टिल Why? You know, हम इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो AWS Lambda है वो इवेंट ड्रिवन है और अ काइंड ऑफ चीज़ें जब ट्रिगर करती हैं उसके लिए वर्क करते हैं. तो इसका जो सिंपल जो आंसर है ना, बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज में, वो है कस्टम वर्क्स. जो हमें कस्टम वर्क्स करने रहते हैं ना दोस्तों, तब हम यूज़ करते हैं AWS लैम्डा का. इट मीन्स मैंने एक फ़ोटो को क्लिक किया अपने S3 स्टोरेज बकेट में, मैंने उसे पुट किया, तो उस टाइम क्या होना चाहिए, एक मेरा लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो कि भाई उसको रिसाइज कर दो, उसके बाद में हम डेस्कटॉप पे, ऐप्स पे, बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं उस इमेजेस का. सेकेंड थिंग कि मैंने किसी चीज़ के लिए रजिस्टर्ड किया, तो उस टाइम मेरा क्या होना चाहिए, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए और वो डेटा मेरे पास आ जाए ईमेल के फॉर्मेट में. तो वहाँ पे अपना SES या SNS, जिसमें हम सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स भी आते हैं और सेपरेटली SES का भी यूज़ होता है सिंपल ईमेल सर्विसेज के लिए. ओके, आई नो यू ऑल नो. सो इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. उससे भी बड़ी चीज़, हम अपनी APIs है ना यूँ बना सकते हैं. इट मीन्स मैंने अपना 2 मिनट के लिए सिंपल तीन लाइन का एक लैम्डा फंक्शन लिखा, उसको मैंने API गेटवे से इंटीग्रेट कर लिया. API इंटीग्रेट से जैसे ही हम उसे करते हैं, अपने को एक डिप्लॉय करना होता है और अपना URL अपने को मिल जाता है. तो हार्डली ये 5 मिनट का काम होता है, अपने को लैम्डा फंक्शन लिखना और APIs बनाना है, कितना ईजी हो गया विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शंस. और लैम्डा फंक्शंस है अपने .NET को अलाउ करता है, मोस्टली लैंग्वेजेस को अलाउ करता है. इसके ऊपर हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में बातें कर लेंगे. तो यहाँ पर जो अपना कंसर्न था है ना कि वाई टू यूज़, सो ये है इसका एक बेस्ट आंसर कि फॉर कस्टम वर्क्स, इफ वी वांट टू डू ना कस्टम वर्क्स देन वी हैव टू यूज़ लैम्डा फंक्शंस, वी डोंट थिंक अबाउट. और इवन इसकी प्राइसिंग, यू नो 1 मिलियन जो इनबॉक्स है या रिस्पॉन्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. इवन आफ्टर अगर आपको 2 मिलियन भी चला जाता ना, तो $1 आएगा, $1. इट मीन्स अगर अभी हम देखें ना 79 point something रुपीज़ है. ओके, अगर डॉलर रुपीज़ का कंपेरिजन करें, बट स्टिल हम 80 रुपीज़ भी लेके चलते, 80 रुपीज़, जस्ट इमेजिन. और अगर हम वही कोई और सर्वर यूज़ करें, फिर पता है आपको सर्वर्स का रेट और सब कुछ AWS क्लाउड के बिना करके देखो, तो फिर तो पता लग जाएगा आपको रेट क्या होता है ना. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे तरफ से, कि लैम्डा का इतना यूज़ किए हैं फॉर कस्टम वर्क्स. आप उसे मेल करवा सकते हो, S3 बकेट में स्टोर करवा सकते हो, या कुछ भी करवा सकते हो, बस आपका लैम्डा ट्रिगर हो जाए, है ना. चैट्स में यूज़ होते हैं, कनेक्ट जो मैंने आपको बताया था कि अ काइंड ऑफ कॉल सेंटर है वहाँ पे, अमेज़ॉन लेक्स है, उसके अंदर में आप चीज़ें शेड्यूल करवा सकते हो कि भाई इतने बजे मेल आ जाए मेरा, है ना. ये सारी चीज़ें ना आप लैम्डा के विद द हेल्प ऑफ लैम्डा यू कैन. ओके, सो बने रहना ऐसी वीडियो पे, हम और भी बातें करेंगे और मेन चीज़ें समझेंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या है ना, यूज़ केसेस क्या है. हम यूज़ केसेस ही नहीं समझते हैं यार किसी चीज़ का. हमें पता तो होता है कि इसके लिए ये यूज़ करना है, उसके लिए ये यूज़ करना है, बट वाई टू यूज़ वी डोंट, हमें पता नहीं होता है ना. और एक हमें पता भी होता है तो एग्जैक्ट आंसर्स नहीं पता होते हैं, कोई हमसे पूछ ले तो हम बता नहीं पाते हैं. तो ये था ऑल अबाउट AWS लैम्डा, वाई टू यूज़ AWS लैम्डा. थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो पे बने रहने के लिए. ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.